जब कभी देश तरक्की की नई इबारत लिखता है, जब कभी हम कोई नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं, जब हम दुनिया को अपनी वैज्ञानिकता दिखा रहे होते हैं, ये साबित कर रहे होते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके पीछे का किरदार याद आता है, वो नेहरू याद आते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में बुनियादी ढांचा मजबूत किया, वो नेहरू याद आते हैं जिन्होंने भारत को दुनिया के ग्लोब पर केंद्रित किया। आजादी के बाद बंटवारा, दंगों और युद्ध के बीच उत्पन्न हुई समस्याओं के बीच इंस्कोपार जैसी संस्थाएं दी, अंतरिक्ष में जाने का ख्वाब दिया, चांद तक पहुंचने का रास्ता दिया। आप उस कालजयी शख्सियत की वैचारिकता देखिए। आज दुनिया जिस स्लॉट पर सोच रही है, मंथन कर रही है, नेहरू ने आज से 6 दशक पूर्व उसकी नींव डाल दी। साल 1962 में नेहरू ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंस्कोपार की स्थापना की। इसके 2 वर्ष बाद नेहरू जी नहीं रहे, लेकिन जब इंदिरा ने कमान संभाली, इंस्कोपार को इसरो का नाम दिया गया। अच्छा, क्या आपको इंदिरा और राकेश शर्मा की वो बातचीत याद है जहां इंदिरा पूछती हैं, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा। भारत ने साल 1963 में ही अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया था। साल 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया। साल 1994 में हमने PSLV का प्रक्षेपण किया। साल 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया, तब हम पहली बार चांद पर पहुंचे थे। साल 2013 में हमने मंगल पर पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया। साल 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया। 2019 में हम चांद पर जाने में असफल रहे, लेकिन अब हम चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुके हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया नहीं कर पाई। ये समय हमारे तमाम महापुरुषों को याद करने का है। आज का दिन उस कैमरा जीवी पंत प्रधान का नहीं है जो बादलों में रडार ढूंढता है। आज का दिन उन वैज्ञानिकों का है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आज का दिन विक्रम साराभाई का है, APJ अब्दुल कलाम का है, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, UR राव का है। आज का दिन उस महानायक का है जिन्होंने मंदिर मस्जिद में उलझने के बजाय वैज्ञानिक शक्तियों को आगे किया। आज का दिन उस सशक्त प्रशासक का है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए। आज का दिन इसरो के वैज्ञानिकों का है। ये त्योहार है हमारा, आपका, हम सबका। हम दुनिया से कई कदम आगे निकल चुके हैं। नेहरू ने जिस सपने को खुली आंखों से देखा था, इंदिरा ने जिस ख्वाब को हकीकत में जिया था, राजीव ने जिसे पंख दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिसे उड़ान दी, आज उस देश ने इतिहास रच दिया है।